हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संयुक्त निदेशक ने किया चौटन का दौरा, क्वारंटाइन केंद्र का किया निरीक्षण। वीवीआईपी निदेशालय जयपुर के संयुक्त निदेशक व कोविड 19 के बाड़मेर जिला प्रभारी डॉक्टर सुभाष खोलिया ने सोमवार को चौटन के राजकीय अंबेडकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हॉस्टल में जैसे इनके रसोई है, हाँ बिल्कुल, खाद्य सामग्री अब विषय में साहब उनको 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 दे रखा सब सैनिटाइजर है, मास्क है, सारी पीपीई किट है, N95 कोई कमी की सरकार की। और जो केस पॉजिटिव मिला ना उस क्षेत्र के अंदर हमने करीबन 400 ग्राम का सर्वे हमने करवा लिया है और 2000 कैंडिडेटों का एक्टिव सर्वे करा लिया है। किसी प्रकार का कोई आई लाई के पेशेंट नहीं मिला है और पूरी आज तक 142 सैंपलिंग हमने कर ली। इस बाड़मेर के अंदर 130 का रिजल्ट आया, एक अब्दुल रहमान का पॉजिटिव आया और 12 की रिपोर्ट पेंडिंग है। 12 की आज अभी तक पेंडिंग है। गौरतलब है कि राजकीय अंबेडकर छात्रावास में 17 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया हुआ है, जिनमें 9 के पूर्व में सैंपल लिए जा चुके हैं और बाकी व्यक्तियों के आज सैंपल लिए गए। उन्होंने अस्पताल में स्थापित कोरोना क्वारंटाइन केंद्र का भी निरीक्षण कर सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा की। इसके पश्चात उन्होंने चौटन के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन विशोई से केंद्र पर उपलब्ध मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य आवश्यक दवाइयों के बारे में विस्तृत चर्चा की और सभी व्यक्तियों के लिए तौलिया, सामान व अन्य वस्तुएं अलग रखने के लिए सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा चिकित्सकों के पीपीई किट व सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर आरबीएसके के जिला प्रभारी डॉक्टर प्रदीप चारण से जानकारी ली। उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र की सुविधाओं को भी परखा। उन्होंने कहा कि सरकार वायरस के नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करने की बात कही। इसके पश्चात डॉक्टर सुभाष खोलिया ने कितनौरिया पहुंचकर सर्वे कर रही चिकित्सा विभाग की टीम का भी औचक निरीक्षण किया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जाँच की। चौटन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।